प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको SSC, CGL, बैंक, CHSL, MPPSC, UPSC, NDA, GD से रिलेटेड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत आता है, इसलिए आप ध्यान दें। जिस तरीके से मानव या इंसान का मरना निश्चित है, इसी तरीके से इन क्वेश्चनों का या इस क्वेश्चन का आपके जो एग्ज़ाम हमने बताए हैं, इन एग्ज़ामों में बहुत आता है, आप ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिए आप। x-1/x = 0.3, इसका मान आपको 0.3 दे रखा है। क्या पूछ रहे हैं आपसे या क्या निकलवा रहे हैं? x³-1/x³, इसका मान आपको निकाल कर लाना है। आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है ये, ज़रा ध्यान दें। देखिए अपने आंसर या सलूशन में x-1/x = 0.3 जो आपको दे रखा है, दोनों तरफ या दोनों साइडों में आपने क्या कर दिया, घन करने पर, या क्यों भी कहते हैं। देखिए जब आप घन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x-1/x का होल क्यू = 0.3 का होल क्यू। इसको जब आप खोलेंगे तो आपका फार्मूला क्या खुल जाएगा, ज़रा ध्यान दें। x³-1/x³-3x×1/x x-1/x जो आपका ब्रैकेट में है। अब ज़रा आप ध्यान देना, 0.3 का होल क्यू है, इसको जब आप तीन बार करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ज़रा ध्यान दें, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.027। जब आप तीन बार 0.3 को खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0.027। बच्चे गलती करते हैं, आप गलती ना करें। आगे आप देखिए, x से x आपका कट जाएगा, x-1/x का मान क्या दे रखा है, 0.3। 0.3 की जब आप 3 से करेंगे तो 3×3 = 9, लेकिन क्या मिलेगा, 0.9 मिलेगा। याद रखें क्या मिलेगा आपको, 0.9 मिलेगा। किस में जोड़ना है आपको, 0.027। यहाँ पॉइंटों का खेल है, गेम की तरह, बच्चे गलती करते हैं, आप गलती ना करें, गेम की तरह यहाँ पॉइंटों का खेल है, आप गलती ना करें, बच्चे गलती करते हैं, आप भी बच्चे ही हैं। देखिए ज़रा ध्यान दें, हमें क्या लाना है अपने क्वेश्चन में, x³-1/x³ जो आपके आंसर में हमें लेके आना है। आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x³-1/x³ का मान निकाल कर लाना है। अब आप ज़रा ध्यान दें, आपको 0.9 और प्लस करना है 0.027, इसको आपको जोड़ना है या प्लस करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0.927। ज़रा ध्यान दें, 0.927 किसके बराबर हो जाएगा, x³-1/x³ के, 0.927। यह आपका x³-1/x³ का मान है, आंसर है 0.927। आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।